सब्सक्राइब कीजिए नेचुरल को और बेल आइकन को दबाइए हेल्थ टिप्स और होम रेमेडी सबसे पहले देखने के लिए आजकल 90 प्रतिशत महिलाओं में हेवी ब्लीडिंग की समस्या बहुत ज्यादा देखी जा रही है अगर आपको हैवी ब्लीडिंग की समस्या है तो आपको खून की कमी हो सकती है इसके साथ ही आपको थकान रहती होगी शरीर में दर्द रहता होगा अनिमिया की भी आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है ये तो आप जानते ही होंगे कि महिलाओं में जो गंदगी निकलती है वो हमारी ब्लीडिंग होती है तो ब्लीडिंग उतनी ही निकलनी चाहिए हर महीने जितनी महिलाओं में बनती है अगर गंदगी के अलावा आपके शरीर का खून एक्स्ट्रा खून भी निकल रहा है तो इसके वजह से आपको कई और बीमारियां भी पनप सकती हैं तो इसके लिए आप कुछ घरेलू नुस्खों से अपनी हैवी ब्लीडिंग को भी रोक सकते हैं अगर आपकी हैवी ब्लीडिंग नहीं रुकती है और अगर आपको पूरे दिन में छह से आठ बार पैड बदलने पड़ते हैं तो आप अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं इसके साथ ही मैं आपको बता दूं अगर आपको ब्लीडिंग के दौरान ब्लीडिंग क्लॉट्स की समस्या होती है या फिर अगर आपके ब्लीडिंग में बहुत अलग अलग कलर के चेंजेस आते हैं यानी कि बहुत ज्यादा लाइट रेड कलर की डार्क रेड डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर की अगर आपको ब्लीडिंग होती है तो आप घरेलू उपायों से भी इन चीजों को दूर कर सकते हैं तो जानते हैं कि आपको क्या क्या तरीका चाहिए और सही तरीका क्या है कि आप अपनी हैवी ब्लीडिंग को दूर कर सके तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे शीट्स लिए हैं यानी कि सफेद तिल सफेद तिल आपको किसी भी पंसारी की दुकान पे मिल जाएंगे इसके साथ ही आप देख सकते हैं इसके लड्डू भी बनाए जाते हैं तो ये बहुत आम है कहीं भी आपको मिल जाएंगे तो ये चीज आपकी जो हैवी ब्लीडिंग का जो फ्लो है ना उसको दूर करने में मदद करता है इसके साथ ही हमारी हैवी ब्लीडिंग के दौरान अगर आपका कोई एक्स्ट्रा खून निकल जाता है शरीर से तो उसकी पूर्ति को भी ये पूरा करेगा तो बहुत अच्छा उपाय है सही ढंग से करेंगे तो आपकी हैवी ब्लीडिंग में बहुत ज्यादा फायदेमंद है तो जानते हैं कि आपको ये उपाय कैसे बनाना है तो आपको सफेद तल तो मिल ही जाएगा इसके साथ ही आपको क्या लेना होगा ना आपको गुड़ लेना होगा आप देख लीजिए गुड़, होता है, उतना नया गुड़ फाइदे, फाइदे नहीं होता है। तो आपको पुराना ये उपाय कैसे करना है तो आपको एक चम्मच सफेद तिल एक चम्मच कौन सी मैं आपको दिखा देती हूँ ये जो टी होती है जो हम खाते हैं तो आपको एक चम्मच एक चम्मच आपको लेनी है सफेद तिल एक चम्मच सफेद तिल और एक ही चम्मच आपको लेना है गुड़ गुड़ को चूरा कर लीजिए पाउडर कर लीजिए ठीक है तो आपको सबसे पहले क्या करना है ना ये एक चम्मच सफेद तिल को आपको तवे पे हल्का सा भून लेना है बिल्कुल हल्का भून लेना ज्यादा मत भूनना वरना खाने में कड़वा लगेगा बिल्कुल हल्का भून लेना है यानी कि आपको बीस से तीस सेकेंड आपको इसको भून लेना है भूनने के बाद आप इसको तवे से उतार लीजिए जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो आपको क्या करना है ना गुड़ आपको बिल्कुल पाउडर कर लेना है कि चूरा कर ले खाने लायक हो जाए आपको इन दोनों का मिश्रण आपको खाना है ठीक है इसको भूनना नहीं है सिर्फ एक चम्मच सफेद तेल को भून करके गुड़ के संग आपको खाना है अब खाना कब है ये जान ले आपको सुबह खाना है सुबह कब अगर आप खाना खाने के पहले खा रहे हैं या बाद में खा रहे हैं यानी कि आपको खाना खाने के एक घंटे पहले खाना है या एक घंटे बाद में खाना है खाना खाने के तुरंत बाद इस चीज को ना खाएं थोड़ा सा गैप करें एक से डेढ़ घंटा खाना खाने के पहले या बाद में इसी तरह आपको रात में खाना है रात में कब जब आप डिनर करने के लिए जाएंगे रात के उसके एक से डेढ़ घंटे बाद ये दोनों चीजें आपको खानी है एक चम्मच इसकी और एक चम्मच इसकी इससे क्या होगा ना जो आपकी हैवी ब्लीडिंग है ना वो धीरे धीरे कम होने लगेगी और जो नॉर्मल महिलाओं को ब्लीडिंग होती है आपको वही होगी अब आपको इसका परहेज कैसे करना होगा आपको शुगर कम करनी होगी नमक कम करना होगा तीखे मसाले आपको कम करने होंगे फास्ट फूड आपको कम करना होगा तब भी आपको फायदा मिलेगा तो आप जान गए होंगे कि आपको क्या क्या करना है इसके साथ ही बता दू अगर आपकी हैवी ब्लीडिंग चल रही है नहीं चल रही है तब भी आपको ये उपाय करना है एक बार के उपाय से आपको फायदा नहीं मिलेगा आप कम से कम डेढ़ से दो महीने इस उपाय को करिए आपको फायदा मिलेगा इसके साथ ही खाने में भी टेस्टी है तो आप इस चीज का परहेज भी नहीं कर सकते जरूर खाइए अच्छे से खाइए चवा चवा के आपको दोनों चीजें खानी है पूरे दिन में दो बार और डेढ़ से दो महीने करके देख लीजिए आपकी हेवी ब्लीडिंग में बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा इसके साथ ही अगर आपके ब्लीडिंग में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा खून भी निकल जाता है तो एक्स्ट्रा खून की भी पूर्ति कर आप करने में मदद करेगा यानी कि आपके अनिमिया की प्रॉब्लम है ना उसको भी दूर कर देगा तो जरूर करके देखिए अच्छा तरीका है हैवी ब्लीडिंग के लिए सो so फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है जानकारी अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें क्योंकि मैं ऐसे ही जो वुमेन्स की हेल्थ प्रॉब्लम होती है उसी की मैं वीडियो बनाती हूं और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना सो so फ्रेंड्स आज के लिए बाय बाय थैंक यू